अगर आपके घर में भी कोई लेबर कार्ड बनाने के लिए आता है तो हो जाए सावधान, क्योंकि ऐसी ठगी करने वाला गिरोह पूरे भागलपुर क्षेत्र में घूम घूम कर प्रलोभन देकर ठगने का काम कर रहा है। मामला भागलपुर के अलीगंज के महेशपुर वार्ड नंबर 42 से सामने आया है, जहां चंदन कुमार पाल और सविता देवी से हजारों रुपये इस लेबर कार्ड बनाने वाले गिरोह ने ठग लिया। गौरतलब है कि ठग उनके घर लेबर कार्ड बनाने के नाम से गए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से लेबर कार्ड सबों को फ्री में बनाया जाता है, आपको आधार कार्ड देना है और अपना अंगूठा लगाना है। जिसके बाद दोनों पति पत्नी तैयार हो गए, आधार कार्ड भी दिया और अंगूठा भी लगा दिया, और शाम में मोबाइल पर मैसेज देखते हैं तो उनका मानो पांव तले जमीन खिसक गई। दोनों के होश उड़ गए, उनके अकाउंट से कई हजार रुपए निकल चुके थे। इसी बाबत वो SSP आनंद कुमार के पास पहुंचे। SSP ने संज्ञान लेते हुए साबर थाने को पता लगाने के लिए कह दिया है। वहीं चंदन कुमार पाल और सविता देवी का कहना है कि इस फर्जी व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे सजा दी जाए और मेरा पैसा रिकवर करवाया जाए। रविवार के दिन शाम में 6 बजे लगभग एक अनजान आदमी आया, वो अपना नंबर देकर मुझे बोला कि क्रेडिट फ्रंट में इस श्रम कार्ड बना देते हैं, बनवा लो, सरकार घर से पैसा है। उनके बातों में आकर के हम दोनों पति पत्नी मिलकर के आधार कार्ड अपना फिंगर उनके पास जो मशीन था उस पर दे दिए और वो चला गया। सुबह में फिर आया 8-9 बजे लगभग सुबह और बोला कि आप जो आधार कार्ड में फिंगर लगाए थे वो गलत हो गया है, फिर से दे दो। फिर हम दोनों मिलकर के फिंगर उसके मशीन पर दे दिए, फिर वो चला गया। और हम लोग जब शाम में आए तो मोबाइल में मैसेज देखा तो इसको बैंक से 2 बार करके 10-10 हज़ार रुपया करके कट गया। और एक खाता हमारा नाम से ज्वाइनिंग खाता था खलीफाबाद चौक पर यूनियन बैंक में, उनको कैफे पर गए चेक करवाने के लिए, उनसे भी वही सेम डेट में 10-10 हज़ार करके 20 हज़ार रुपया कट गया, यानी दोनों खाता से 40 हज़ार रुपया निकल गया। उसके बाद हम सोमवार को ही सामने गए थाना पर आवेदन दिए, आवेदन ले लिया, बोला कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पैसा चला गया, डूब गया, अब तुम जा कर के सुतो। उसके बाद हम SP के पास आए, SP को दिए, SP साइबर थाना को कंप्लेंट करने का ऑर्डर किया है, अब कहाँ क्या हुआ है नहीं बोला। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। रेलवे के कई अधिकारी लगातार भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई स्टेशनों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी बाबत कभी DRM तो कभी GM इसका निरीक्षण लगातार करते दिख रहे हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन के विकास को लेकर आज मालदा डिवीजन के GM MP द्विवेदी DRM विकास कुमार चौबे, भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने कई बिंदुओं पर निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए GM MP द्विवेदी ने बताया कि गोड्डा से निरीक्षण करते हुए हम लोग भागलपुर स्टेशन पहुंचे हैं, यात्रियों की सुविधा व स्टेशन पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। अभी जो व्यवस्था है उसके अलावा क्या जरूरत है उस पर हम लोग विशेष नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो साफ सफाई, शौचालय, पानी की व्यवस्था, स्टेशन का आगे विस्तार हो, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों की नजर है। उन्होंने बताया कि स्टेशन के आगे जो विस्तार का प्रोजेक्ट है वो रेलवे बोर्ड के पास है, जैसे ही सैंक्शन होगा उस पर जोर शोर से कार्य प्रारंभ हो
जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट 450 करोड़ रुपए की लागत का है। भागलपुर स्टेशन मालदा डिवीजन का सबसे बड़ा स्टेशन है। यहाँ से ज्यादा संख्या में यात्री का आना जाना होता है। यहाँ के यात्रियों के लिए रेल सरकार विशेष पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि 450 करोड़ की लागत से बनने वाला नया भागलपुर स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। प्रवेश और निकासी अलग अलग होंगे। यह स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। यहाँ 72 मीटर चौड़ा FOB बनेगा जिसमें लोग आराम कर सकेंगे। जहां खाने पीने की उचित व्यवस्था रहेगी, एस्केलेटर की व्यवस्था रहेगी, लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए भागलपुर शहरवासियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसे बनने में कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे। वहीं निरीक्षण के बाद GM MP द्विवेदी, DRM विकास कुमार चौबे, सांसद अजय मंडल ने रेलवे अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए जिससे यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। ये जो स्टेशन का जो 450 करोड़ से ऊपर का जो स्कीम बन रहा है उसमें स्टेशन बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, एंट्री अलग होगी, एग्जिट अलग होगा और लोगों को सारा प्लेटफॉर्म शेड्स कवर, मतलब पूरा प्लेटफॉर्म कवर्ड रहेगा। बीच में 72 मीटर चौड़ा एक पूरे प्लेटफॉर्म पे जैसे FOB जैसा चीज होता है, 72 मीटर चौड़ा होगा, उसको हम लोग एयर कॉन्कोर्स बोलते हैं। वो पूरे स्टेशन पे 72 मीटर चौड़ा एक बना रहेगा स्पेस, उसमें लोग जा करके, अभी प्लेटफॉर्म पे लोग जगह खोजते हैं बैठने का, अब वो उस पर बैठ करके वेट करेंगे, ट्रेन का टाइम होगा तब उतर जाएंगे। उसमें बैठने का जगह होगा, उसमें कुछ खाने पीने का भी सामान होगा, उसके आसपास टॉयलेट होगा, सारे एस्केलेटर्स लगेंगे, लिफ्ट लगेंगे, स्टेशन बिल्डिंग शानदार बनेगी। अप्रोच को हम लोग जितना इम्प्रूव कर सकते हैं, अदर साइड जो स्टेशन है उसको भी इम्प्रूव करने का प्लान है, तो वो काफ़ी एम्बिशियस और शानदार प्लान बनाया गया है। तो थोड़ा सा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। और वो प्रोजेक्ट होगा भी तो एक बार जब अभी सैंक्शन होगा उसके बाद उसमें कम से कम 2.5 से 3 साल लगेंगे, बिकॉज वो जो प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म हम लोग को पूरा कवर करना है 72 मीटर का, वो काफ़ी टेक्निकल काम है। रनिंग ट्रेन को देखते हुए हमें वो सब काम करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेशन के सामने हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इसलिए हमको इस स्टेशन को पार्ट पार्ट करके, तोड़ तोड़ करके और उसका नया पार्ट बनाना पड़ेगा। बट प्लान बहुत एम्बिशियस है एंड समय लगेगा, पर लोगों को बहुत अच्छा काम मिलेगा। ट्रेन चलाए हैं, कुछ ट्रेन को हम लोगों ने स्टॉपेजेस दिए हैं जो स्टॉपेजेस नहीं थे फॉर दिस पीरियड, श्रावणी मेला का पीरियड है। सामने में हम लोगों ने कुछ वेटिंग एरिया बनाया है, हेल्प बूथ दिया है, एम्बुलेंस एक हायर करके उतने दिन के लिए रखा हुआ है। आज के युग में भाई भाई का दुश्मन होता जा रहा है, लेकिन उन सब से अलग एक भाई अपने भाई के लिए मिसाल बना हुआ है। एक ऐसा शिव भक्त दिखा जो अपने भाई के लिए मांगी गई मन्नत पूरी होने पर कच्ची कांवरिया पथ पर जमीन पर लेटते हुए बाबा भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। भागलपुर के नौगछिया के निवासी मनोहर कुमार ने बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि उसका भाई स्वस्थ हो जाता है तो वह जमीन पर लेटते हुए बाबा के दरबार में जलाभिषेक करने जाएगा। मनोहर कुमार सिंह ने बताया कि उसका छोटा भाई 26 वर्षीय मणिकांत कुमार को लैट्रिन के रास्ते में कैंसर हो गया था, जिसके इलाज के लिए बेंगलोर सहित कई जगह गया, लेकिन सभी डॉक्टर ने कहा कि यह नहीं बचेगा। जिसके बाद हम लोग थक हार कर घर वापस आ गए, जिसके बाद पटना में मेरे जान पहचान के एक डॉक्टर से बात की तो उसने बताया कि हम कोशिश कर सकते हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाकी बाबा भोलेनाथ के ऊपर है। जिसके बाद मैंने बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा भाई स्वस्थ हो जाता है तो हम जमीन पर लेटते हुए आपके दरबार में जलाभिषेक करने आएंगे। जिसके बाद ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन सफल रहा और मेरे भाई की जान बच गई। इसी खुशी में हम सुल्तानगंज से जल भरकर कच्ची कांवरिया पथ पर लेटते हुए बाबा के दरबार जा रहे हैं। भाई के लिए क्या हुआ था भाई को? भाई का सर बहुत बड़ा चीज हुआ था जो कि बेंगलोर रेफर था। क्या हो गया था उसका? सर जो अंदर में पैखाना थैली था वो फट चुका था। अच्छा, तो बेंगलोर लेकर के गए थे, वहाँ पर उसको वहाँ से उसको डिस्चार्ज कर दिया, डॉक्टर बोला वो नहीं बचेगा। अच्छा, तो उसको सर हम पटना लाए थे किसी तरह से। पटना में अपना PMCH में एक डॉक्टर था जान पहचान का, बहुत ही अच्छा, मतलब अभी भी वो उसको मानते हैं। उन्होंने बुलाया, वहाँ से रेफ़र किया बेंगलोर से, जो कि उम्मीदें सबका ख़त्म हो चुका था मेरा भी, इसलिए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल बेंगलोर में, वहाँ से रेफ़र कर देगा तो कहाँ जाएगा कोई। तो उसको पटना लाए, पटना में हम बोले थे भोलेनाथ को अगर मतलब इसकी सांसें रह गई
तो हम घूमते हुए आपके दरबार तक जरूर पहुँचे। तो अभी क्या है, अभी कैसा है वो? अभी बहुत अच्छा, ठीक हो गया बिल्कुल। क्या नाम था भाई का? मणिकांत कुमार सिंह। और ये भी बोले थे कि साथ साथ हमको जीने का भी मतलब जो है कुछ सहारा चाहिए, तो अभी हम बहुत अच्छा है बिजनेस कर रहे हैं। अभी हम भिंडर का काम करते हैं, हम भिंडर हैं, अभी बहुत अच्छा है। क्या नाम है भाई का? मणिकांत कुमार सिंह। कितने भाई हैं आप लोग? हम 6 भाई। बहन इन दिनों बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का पावन मास सावन चल रहा है, जिसको लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने कांवर में पवित्र गंगा जल भरकर पैदल 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए कांवर यात्रा पर निकल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग वेशभूषा के साथ साथ जलाभिषेक करने के लिए अलग अलग ढंग के अनोखे कांवर भी अपने साथ ले जा रहे हैं। बंगाल से आए 15 युवाओं की टोली 1 क्विंटल वजनी कांवर के साथ बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए, जिसको पीतल और बांस से बनाने में 2 माह का समय लगा है। इस दौरान कांवरिया श्रद्धालुओं ने बताया कि भोलेनाथ सबकी खबर रखते हैं, वो हम सबके ऊपर प्रसन्न रहे, इसी कामना के साथ हम लोग बाबा वैद्यनाथ को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। साथ ही बंगाल से आए युवाओं की टोली ने कहा कि हम लोग प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या चाहते हैं आप? और 2024 से हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। जय श्री राम। बोलिए बाबा भूतनाथ के। कोलकाता, कोलकाता। आकर्षक कांवर है, कितने दिनों में तैयार किए? 1 महीना, 1 महीना। क्या क्या चीज से तैयार हुआ? पीतल बांस, पीतल बांस मूर्ति, पीतल बांस मार्बल, मार्बल का मूर्ति है आपका, पीतल और बांस तैयार। हाँ, बांस और मार्बल का मूर्ति है। कितना वजन है इसका? वजन इसका 95 से 100। आप लोग कितने युवाओं की टोली है? 15। कितने साल से जा रहे हैं? 6 साल। 6 साल। भोलेनाथ से क्या मांग? मांगना हमें कुछ नहीं, बस बाबा हमको खुश रहे, बाबा से हम लोग खुशी पाए, बस इतना ही चाहते हैं हम लोग। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। सभी राजनीतिक दल नए नए हटकंडे अपना रही है, वहीं भाजपा भी पीछे नहीं है। भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे सावन भागलपुर अंतर्गत लगभग सभी शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई से की जाएगी। हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता गेरुआ वस्त्र धारण कर बरारी पुल घाट से जल भरेंगे और भागलपुर 0 माइल के जिच्छो शिवालय में जलाभिषेक करेंगे। इसको लेकर भाजपा भागलपुर शाखा के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार साह ने बताया कि कार्यक्रम 10 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा और पूरे सावन या जलाभिषेक कार्यक्रम चलेगा। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भागलपुर का एक बड़ा मुद्दा भोलेनाथ पुल है, जो हर चुनाव में अपना अहम योगदान वोट लेने के लिए बनता है। भोलेनाथ पुल का कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन इसमें उत्तर और दक्षिण के लोगों के लिए आने जाने की तो सुविधा है, लेकिन इसमें कहीं भी अप्रोच पथ नहीं दिया गया है, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार से यह मांग की है कि इस पुल में अप्रोच पथ भी दिया जाए, जिससे कि दक्षिण क्षेत्र के लोग इसका लाभ ले सके। साथ ने कहा कि बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है, इस दौरान 13 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, यह कहीं से सही नहीं है। इसका जिम्मेदार वहां की ममता सरकार है, उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है। साथ ही भागलपुर स्टेशन में आज जीएम डीआरएम और सांसद पहुंचे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन लोगों से दक्षिण भाग में टिकट काउंटर को बढ़ाने, प्रवेश द्वार को बड़ा करने और न्यू भागलपुर टर्मिनल बनाने की मांग रखी। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा भागलपुर शाखा के अध्यक्ष संतोष कुमार साह, मंजीत कुशवाहा, राजीव मिश्रा, राजकिशोर गुप्ता, श्रवण कुमार, प्राणिक वाजपेयी, लक्ष्मण कुमार के अलावे कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। इसीलिए हम सभी ऐसे कार्यकर्ता पुनः मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और महादेव से कामना करने के लिए इस आयोजन को रखे हैं, और पहला सोमवार 10 तारीख को इसका शुभारंभ सुबह 6 बजे प्रातः, और जो पुल घाट बरारी का है वहां से हम लोग जल उठाएंगे और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहेंगे, सभी अपने भगवा वस्त्र के साथ, जो बाबा भोले के वस्त्र होते हैं उनके साथ,
पुरुष महिलाएं बड़ी संख्या में जल उठाकर और बाईपास स्थित जीछो दुर्गा मंदिर जो शिव मंदिर है उसमें जल अर्पण करेंगे और वहीं पर प्रसाद आदि की व्यवस्था की गई है सबों के लिए। और हम सब आप सबों को भी आग्रह करेंगे इस पूरे आयोजन में आप रहें और पूरे आयोजन में भक्ति और भाव का यह आयोजन और एक संदेश भागलपुर से पूरे देश को देगा कि किस प्रकार से लोग मोदी जी से स्नेह प्यार करते हैं और महादेव से उनके लिए कामना करने के लिए और सभी ऐसे शिव स्थलों पर जिला में पहले शुरुआत हम लोग यहाँ कर रहे हैं, फिर बटेश्वर भी जाएंगे, फिर बाबा अजगैबीनाथ के मंदिर भी जाएंगे, फिर अन्य बूढ़ानाथ बुद्धेश्वर महादेव में भी सभी ऐसे जो भी जिला के अंदर प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं सबों पर हम लोग सावन के किसी दिन भी सोमवार नहीं किसी भी दिन भी हम लोग जा सकते हैं और एक योजना बनाकर जाएंगे जिसकी विधिवत सूचना आपको होगी। माँ के लिए उसका संतान ही सब कुछ होता है, पर किसी माँ का 10 साल का बेटा पिछले 6 महीने से लापता हो तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस माँ पर क्या गुजरती होगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहाँ एक माँ का 10 वर्षीय बेटा निजाम चॉकलेट लेने के लिए घर से निकला था, पर 6 महीने बीत जाने के बाद भी बच्चा घर वापस नहीं लौटा। आपको बता दें, बच्चे के लापता की सूचना उसकी माँ के द्वारा स्थानीय थाना मुजाहिदपुर में दे दी गई थी, पर 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस लापता बच्चे का पता नहीं लगा पाई। जब बच्चे का पता पुलिस नहीं लगा पाई तो महिला अपने बच्चे की तस्वीर हाथ में लेकर सड़कों पर भटकना शुरू कर दी है और लोगों से ये पूछती नजर आ रही है कि कोई मेरे बेटे को देखे है क्या। महिला के आंखों में आंसू ये बयान कर रहा है कि महिला कितनी बेबस है। इन दिनों सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन के पहले सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर गंगा स्नान कर कांवर में पवित्र गंगा जल भरकर झारखंड स्थित बाबा वैजनाथ को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त रवाना हुए। इस दौरान पूरा कच्ची कांवरिया पथ एक और जहां केसरियामय हो गया, वहीं पूरा इलाका बोलबम के जयकारों से गुंजायमान रहा। वहीं कांवरिया श्रद्धालुओं का कहना है कि भोलेनाथ अघड़दानी है और उनको अपने भक्तों की सभी जानकारी है। वो भक्तों की सारी परेशानियों को दूर करते हैं, इसलिए वे सभी लगातार भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए पैदल कांवर यात्रा कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच से आए हैं, पैदल यात्रा पर निकले। जी जी जी, पैदल यात्रा पर। कितने दिनों में पहुंचेंगे? तीसरे दिन पहुंचेंगे। इसके पहले भी गए हैं? जी, 3 बार जा चुके हैं, तीसरी बार ये है। भोले बाबा पर कितनी आस्था है? 100 में 200%। भोले बाबा सबके सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। परेशानी भी हो रही है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 105 किलोमीटर कैसे जाएंगे? भूल के जाएंगे। भोलेनाथ पर विश्वास है? फूल विश्वास है। कैसा है मौसम? सुहाना है, बढ़िया है मौसम, सुहाना है। कैसे यात्रा कैसे कटेगी? आरामदायक कटेगी, आराम से कटेगी। कष्ट भी होगा? होगा थोड़ा बहुत, बाबा पार करेंगे। हम 16 से जा रहे हैं, 2016 से। भोलेनाथ के दरबार में हाली लगाते हैं? जी। भोले बाबा मन्नतें पूरी करते हैं? जी पूरी करते हैं, पूरी करते हैं। कितना भोले बाबा पर आस्था है? आस्था तो पूरा है, समझिए कि 100% पूरा। श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर के सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा तट पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। इस दौरान मेला क्षेत्र में दुकानदारों के द्वारा अवैध रूप से सड़क पर अतिक्रमण किए जाने की सूचना मिलते ही SDM संजय कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, BDO मनोज कुमार मुर्मू, CEO अमित राज सहित बड़ी संख्या में नगर परिषद के कर्मचारी, पुलिस बल के जवान मौजूद थे। सड़क और नाले पर गए अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने को लेकर सुल्तानगंज मुख्य चौक से चलाया गया अभियान नमामि गंगे घाट और श्री घाट तक चला और अतिक्रमणकारियों से इसे मुक्त कराया गया। SDO संजय कुमार ने बताया कि सड़क और नाले पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है। इस दौरान अतिक्रमणकारियों का सामान भी जब्त किया गया है, साथ ही हरजाना भी नगर परिषद के द्वारा वसूला गया है। देखिये, ये जो चीज हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं, मतलब मेला के शुरुआती अवधि से ही हम लोग जो आप लोग देख रहे होंगे कि रोड पे दुकानदार जो होते हैं वो सामान धीरे धीरे रोड पे, पहले नाले पे फिर रोड पे ले आते हैं। और जैसे आपको भी पता है कि फ्राइडे सैटरडे और संडे को कांवरियों की भीड़ बढ़ती है, तो निश्चित रूप से जो पैदल चलने वाले कांवरियाँ हैं उनको दिक्कत होगी और रोड जाम की भी समस्या बनेगी। तो इसको देखते हुए हम लोग निरंतर माइकिंग भी करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लोग दुकान पर अपना ना
रोड पे अपना दुकान ना लगाए, और आज नगर निगम के द्वारा जिन लोगों के द्वारा किया गया उनको फाइन भी किया गया है, और जिन्होंने फाइन नहीं दिया उनके सामान भी अभी जब्त की गई है, और फिर उनको सामान उनका जैसे फाइन जमा होगा उनका सामान को रिलीज कर। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला के छठे दिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर इस्माइलपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कृष्णानंद आनंद कुमार के द्वारा गंगा घाट से लेकर धांधी बिरारी तक श्रावणी मेला मूल्य नियंत्रण एवं रखरखाव को लेकर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान इस्माइलपुर के खाद आपूर्ति पदाधिकारी ने सैकड़ों कांवर की दुकान, भोजनालय की दुकान सहित अन्य दुकान की जाँच पड़ताल करते हुए मूल्य तालिका के निर्धारित रेट पर बेचने एवं कमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने का निर्देश सभी दुकानदारों को। आनंद कुमार ने मीडिया को बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के निर्देश पर श्रावणी मेला मूल्य तालिका एवं रखरखाव को लेकर गंगा घाट से लेकर धांधी बेलारी तक सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी दुकानदारों को हिदायत दिया गया कि मूल्य तालिका के अनुसार सामान बेचने एवं रखरखाव सही रखने और भोजनालय की दुकानों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपयोग करने का निर्देश दिया गया। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई। इस दौरान SI नवीन कुमार सिंह, डीलर शत्रुघ्न चौधरी, अनिल रजक सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर है उसका यूज करने के लिए और घरेलू सिलेंडर नहीं यूज करने के लिए, और रेट चार्ट आगे लगाने के लिए चिपकाने के लिए, और रेट चार्ट के अनुसार ही सामान को बेचने के लिए, और पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए, और कहीं कहीं पर भी बहुत सारे सुल्तानगंज से लेकर के धांधी बेलारी तक हम लोग ने चेक किया और सभी में ये कहा गया कि कोई सड़ा गला बासी खाना नहीं दे, और सभी जितने भी स्टाफ हैं उसका आधार कार्ड लेकर के ही स्टाफ को रखा है। भागलपुर में अपनी भाभी को देवर ने बुरी तरह पीट डाला। घायल अवस्था में महिला को गोराडीह रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेज दिया गया। मामले को लेकर पीड़ित महिला ने बताया कि वह बकरीद के मौके पर अपने ससुर से मिलने पैतृक गांव गोराडीह गई थी। इसी दौरान उसका देवर मोहम्मद फैजल और उनकी पत्नी आफरीन ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि बर्तन साफ करने के दौरान हम पर गमला फेंक कर हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सूचना मिलते ही घायल महिला के परिजन गोराडीह पहुंचे, जिन्होंने आनन फानन में उसे मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल गोराडीह थाने में पीड़ित परिजन के द्वारा लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है, जबकि उनका कहना है कि इंजरी रिपोर्ट देने के बावजूद पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले के संदर्भ में कार्रवाई करने की मांग की है। रहते हैं बंदाव चक में, भागलपुर में, लेकिन गए थे वहाँ बकरीद बांध गए थे ससुर से भेंट करने के लिए डहरपुर, तो हम गमला धो रहे थे फूल वाला, और उधर से मेरी गोतनी मतलब आई, लड़ा झगड़ा किया, गाली गलौज देने लगी, हम कुछ नहीं बोले, गमला धोती रह गए। उधर से मेरा देवर आया फैसल, और वो हसुआ से सिर में मार दिया, तो हम सिर पकड़ करके बैठ गए। देवर मारा, क्यों मारा देवर? कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, हम गमला धो रहे थे बस गमला, हाँ, वो गुतनी गाली गलौज कर रही थी, इनका पापा मना किया था कि कुछ नहीं बोलना है, हम कुछ नहीं बोल रहे, गमला धो रहे थे बैठ करके, और वो लड़ाई झगड़ा मतलब अपने आप को अपने गाली गलौज कर रही थी, गाली गलौज करते करते उसका दूल्हा आया साइड से और हसुआ मेरे सर पर मार गया। भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा घाट में श्रावणी मेला के छठे दिन CO अमित राज, BDO मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इस दौरान BDO मनोज कुमार मुर्मू ने मीडिया को बताया, गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया गया है। गंगा घाट में जलस्तर बढ़ने पर गंगा घाट में फिसलन बढ़ी है, जिसे ठीक कराया जाएगा, और अजगैबीनाथ गंगा घाट में बिजली के पोल पर लाइट नहीं होने पर कहा कि लाइट लगाई जाएगी। समय से पानी बढ़ जाने के कारण डूब जाता है, यहाँ जे यहाँ पर लगा हुआ, उसके साथ जो भी है ठेकेदार, वो काम समय पर अपना शिफ्टिंग करके यहाँ पर दुरुस्त कर देते हैं। रात में सर लाइट की यहाँ कमी गंगा घाटों पे देखी गई है, और लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है, जनरेटर है उसमें, थोड़ा सा अगर बारिश होती तो थोड़ा दिक्कत, 10-15 मिनट की ट्रिप होता है, अन्यथा अनिवार्य रूप से बिजली आपूर्ति की जाती है। पोल पर वेपर सर नहीं लगा है? वेपर कहीं हो सकता है खराब हो गया होगा, हम लोगों ने वेपर लगाया है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है, और
उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।